आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि तोता, मैना और कबूतर, इन्हें इनकी सेवा करने से, इन्हें पालने से हमारा जो किस्मत है उस पर क्या असर पड़ता है, किस्मत हमारा किस तरह कनेक्टेड है। देखिए, पशु पक्षियों को पालने का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। हर जीव में परमात्मा का वास होता है, तो परमात्मा की सेवा कर रहे हो। हर पशु और हर पक्षी के अंदर एक विशेष तरह की तरंग होती है, उस तरंग के कारण उस पशु या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग और उसकी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक दशा पर असर पड़ता है। हमारे जीवन पर यह असर कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी बहुत कम। हम जितने ही पशु पक्षी के निकट रहेंगे उनका प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कबूतर, मैना और तोता पालने से क्या असर पड़ता है। पक्षियों का संबंध आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन से होता है। अगर पक्षियों का व्यवसाय करते हैं तो आप पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर केवल मनोरंजन और प्रदर्शन के लिए पक्षियों को पालना शुभ नहीं होता है, इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है और साथ ही पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। पक्षियों को कैद से आज़ाद कराने से कर्ज मुक्ति मिलती है और मुकदमा से छुटकारा मिलता है। यदि आप कबूतर को खाना खिलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। यदि आप तोता को पूरी तरह से सेवा करते हैं तो आपका जो बुध होगा स्ट्रांग होगा। मैना को यदि आप करते हैं तो उसे और आपका शुक्र भी स्ट्रांग हो सकता है। तो ये पक्षियों को पालने से फर्क पड़ता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।